के लिए जो सारे जहान वालों का पालनहार है, जिसने हमें इंसान की सूरत में पैदा फरमाया और अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और उनका सच्चा प्यार हमारे दिलों में जगाया और इस तरह हमें जन्नत का हकदार बनाया। अल्लाह की सलामती हो हम सब पर। आज हम और आप इस जगह जन्नत कमाने इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जिक्र रसूल होगा, नात नबी पढ़ी जाएगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना अल्लाह ताला की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ही ने सबसे पहले कुरान की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात बयान फरमाई। और नात सुनना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो इस तरह की, आप अपने प्यारे शायर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मस्जिद नबी में मिंबर बिछवाते और हजरत हसन से फरमाते, हसन इस मिंबर पर बैठकर हमारी नात बयान करो, अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। फिर हजरत हसन मिंबर पर तशरीफ ले जाते और अरबी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ में शेर पढ़ते। रवायतों में आया है कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा करना चाहा तो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि सफेद मिट्टी लाओ। जिब्राइल अलैहि सलाम बहिश्त के फरिश्तों के साथ उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की जगह से मुट्ठी भर खाक सफेद चमकती व दमकती उठा लाए। फिर वो मुट्ठी भर खाक बहिश्त के चश्मे तस्लीम के पानी से गूंजी गई, यहाँ तक कि वो सफेद मोती की तरह हो गई, जिसकी बड़ी शोभाएं थी। उसके बाद फरिश्ते उसे लेकर अरसा और कुर्सी के चारों तरफ और आसमानों और जमीनों में फिरे, यहाँ तक कि फरिश्तों ने आपकी रूह मादा अतहर को आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पहचान लिया। ये भी रवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले साक़े अर्श पर सुखनूर से अपने नाम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह।